नमस्कार बच्चों, संस्कृत श्लोक एक्टिविटी में आपका दूसरा श्लोक है काम क्रोध अरु स्वाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं। काम क्रोध अरु स्वाद लोभ श्रृंगारही कौतुकही अति सेवन निद्राही विद्यार्थी आठौ तजे। फिर से, काम क्रोध अरु स्वाद लोभ श्रृंगारही कौतुकही अति सेवन निद्राही विद्यार्थी आठौ तजे। इसका अर्थ यह है कि इस श्लोक के माध्यम से ये बताने की कोशिश है कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें आठ चीजों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें आठ चीजों का त्याग करना है। यानी काम, काम यानी लालच, किसी चीज का लालच है ना, वासना यानी हमें अधिकता कर देना हर काम की, बहुत एक ही काम करते जाना। काम क्रोध यानी गुस्सा, गुस्से का भी आपको त्याग करना है। ठीक है, स्वाद जीभ का स्वाद, हमें ये खाना है हमें ये खाना है, इसका त्याग करना है। लोभ लालच, लालच नहीं करना है। श्रृंगार ही है ना, बच्चों को श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे फैशन में आके अपनी पढ़ाई का पढ़ाई के बारे में भूल जाते हैं, वो नहीं करना है। कौतुक ही यानी एंटरटेनमेंट मनोरंजन, कई बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं टीवी में लगे रहते हैं जो कि उनका समय वेस्ट होता है, उसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अधिक भोजन अति सेवन, अधिक भोजन यानी ज्यादा खाना, ज्यादा खाएंगे तो हमें नींद आएगी है ना। और उसके बाद है निद्रा, निद्रा ही यानी सोना, कई बच्चों को सोना बहुत पसंद होता है और वो पढ़ाई के नाम से तो और नींद आ जाती है। तो ये टोटल आठ चीजें हैं जिनसे विद्यार्थियों को बचना चाहिए, जिनका विद्यार्थियों को त्याग करना चाहिए। फिर से एक बार श्लोक हम कहेंगे, काम क्रोध अरु स्वाद लोभ श्रृंगारही कौतुकही अति सेवन निद्राही विद्यार्थी आठौ तजे। ठीक है, धन्यवाद।